क्या मीठा खाने से शुगर होती है, क्या मीठा खाने से डायबिटीज़ हो सकती है? ये सवाल प्रैक्टिकली हर इंसान के दिल में आता है, और जिसका स्वीट टूथ है, सो कॉल्ड, जो लोग मीठा खाते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आता है। और ये भी कि जिसको जैसे ही हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है या हो सकती है, वो इमिजिएटली कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं मीठा तो बहुत कम खाता हूँ। तो मैंने सोचा आज इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या मीठा खाने से डायबिटीज़ हो सकती है। इसका आंसर है हाँ, पर ये डिपेंड करता है आप किस किस्म का मीठा खाते हैं। अगर आप शुगर, जिसको हम रूटीन में शुगर या चीनी कहते हैं, ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होने का चांस रहता है, और जो चीनी कम खाते हैं उनको डायबिटीज़ कम होने का चांस होता है। इसका कोई ऐसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में कि जो लोग चीनी का सेवन कम करते हैं उनको डायबिटीज़ कम होती है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ऐसा क्यों होता है? उसमें ये है कि शुगर में सुक्रोज होता है। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, शुगर फॉर सुक्रोज। शुगर सुक्रोज होती है जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज वही है जो कि हमें एनर्जी देता है, जो इमिजिएटली ब्लड में इंक्रीज होता है, जिसके बाद इंसुलिन रिलीज होती है। और जो फ्रक्टोज एलिमेंट होता है, ये हमारे लिवर में जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है, और वहाँ पर ये दो चीज़ें करता है, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, और दूसरा ये लिपिड की तरह स्टोर करता है और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। तो शुगर एज सच अगर आप ज़्यादा लेंगे तो इससे न केवल ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा बल्कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा होगी लिवर के लेवल पर। तो इस तरीके से ज़्यादा शुगर लेने से डायबिटीज़ हो सकती है। ये तो एक बात हुई, लेकिन ये बात उस मीठे पर जो फलों में होती है लागू नहीं होती। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि गर्मियों में आम खाना चाहते हैं, तरबूज खाना चाहते हैं, लीची खाना चाहते हैं, वो बिना गिल्ट कॉम्प्लेक्स के इनका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको डायबिटीज़ नहीं है तो ऐसे फल खाने से उनको डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ता नहीं है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों है? रिसर्चर्स कहते हैं और ये सोचा गया है कि जो फ्रूट्स की शुगर होती है वो डिफरेंट होती है, उसका प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फ़र्क होता है, वो हमारे इंटेस्टिनल लाइनिंग में ऐसे बैक्टीरिया माइक्रोबायोटा को चेंज करते हैं कि जिससे कि डायबिटीज़ होने का चांस नहीं रहता या उससे चांस बढ़ता नहीं है वाले, जिनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं, ये डेफिनेटली शुगर बढ़ाते हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर कि WHO ने लास्ट ईयर ही और तकरीबन एक साल पहले अपनी एडवाइजरी जारी की थी। WHO दुनिया की नॉन रिसर्च बॉडी है, UNO का पार्ट है, और उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ के बाद ये कहा था कि जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जिनको हम शुगर फ्री के नाम से जानते हैं, इनके लेने से न केवल वज़न बढ़ता है, शुगर ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक बढ़ते हैं, और इनडायरेक्टली कैंसर का चांस बढ़ता है, क्योंकि ये जिस पर्पज़ के लिए लिए जा रहे हैं कि मिठास बढ़ेगी नहीं, उसका उल्टा काम करते हैं। और इसके पीछे कुछ थ्योरीज थी और कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे, जब ये देखा गया था कि जब भी आप इस तरीके के सैक्रीन, एस्पार्टेम, स्टीविया वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे इंटेस्टिन के माइक्रोबायोटा को चेंज करता है, बैक्टीरिया को चेंज करता है, जिससे एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क पड़ता है, जिससे कि डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है और भूख भी कम नहीं लगती। एक बार और भी है कि जब भी आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं तो इनके सोच से ही हमारी बॉडी में हमारी इंसुलिन बननी शुरू हो जाती है। जब भी आप सोचते हैं आप गुलाब जामुन खाएंगे, खीर खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, तो उसी सोच से ही हमारे मुँह में पानी आने लगता है और इंटेस्टिन में जो हमारे सिस्टम डाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है और इंसुलिन रिलीज होने लगती है और शुगर लोअर साइड पे जाने लगती है। तो अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लेंगे तो माइंड से अपने बॉडी को ये धोखा देंगे कि आप मीठा खा रहे हैं, जबकि वो मीठा नहीं होगा, उससे बॉडी में शुगर लो जाएगी, भूख बढ़ेगी।
तो आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से वजन कम नहीं होता, और ऐसी कोई स्टडी दुनिया में नहीं है जो दिखाए कि आर्टिफिशियल स्वीटनर देने के एक साल के बाद आपका वेट में कुछ खास कमी आई हो। जो शुरू में कम होता है वो दोबारा उतने पर आ जाता है जितना पहले था। तो मैं समराइज करके ये बोल दूँ कि शुगर, जिसको आप चीनी कहते हैं, वो खाने से, ज़्यादा प्रयोग करने से डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आप फल खाएंगे मीठे, तो उससे साइंटिफिक एविडेंस में कोई शुगर होने का चांस नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लेंगे, जिनको हम शुगर फ्री के नाम से कमर्शली जानते हैं, तो उनसे मिठास तो मिलेगी, लेकिन उससे भी डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट से आपको सीखने को कुछ मिलता है, तो मेरे इस चैनल को डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।